भारत और इंग्लैंड के बीच खेले जा रहे चौथे टेस्ट मुकाबले के दरमियान कुछ ऐसा देखने को मिला जिसे देखकर हर कोई हैरान है। अगर आप भी देखेंगे तो आप भी हैरान रहने वाले हैं। विवाद इतना बढ़ गया कि मैच को कुछ दरमियान के लिए रोकना पड़ा और एम्पायर को बीच में आना पड़ा। वीडियो में आगे बढ़ेंगे और जानेंगे आखिर ऐसा क्या हुआ जिसे देखकर हर कोई हैरान है, आखिर क्या है पूरा मामला। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी है टीम इंडिया के बहुत ही बड़े फैन तो वीडियो को लाइक करके अपना सपोर्ट जरूर दिखाएं। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकॉन को भी जरूर दबाएं। आप अपने फेवरेट खिलाड़ी और फेवरेट टीम का नाम भी नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अब ये बात तो आप और हम सभी जानते हैं कि भारत और इंग्लैंड इन दोनों के लिए चौथा टेस्ट मुकाबला कितना इम्पोर्टेंट है। हर हाल में हर टीम ये मुकाबला जीतना चाहती है। दोनों टीमों के बीच खेला जा रहा सीरीज का चौथा टेस्ट मैच आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप के लिहाज से भी बेहद अहम है। इस मैच का जो भी नतीजा होगा उसी से तय होगा कि लॉर्ड्स में होने वाले टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में कौन खेलेगा न्यूजीलैंड के साथ। अगर भारतीय टीम ये मैच जीतती है या ये मैच ड्रॉ होता है ऐसी स्थिति में भारतीय टीम सीधे आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंच जाएगी। लेकिन अगर इस मैच में इंग्लिश टीम भारत को हरा देती है तो उसे नतीजे का सीधा सीधा फायदा ऑस्ट्रेलिया की टीम को होगा, वो आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुँच जाएगा। खैर आइए जानते हैं इन दो खिलाड़ियों के बीच विवाद किस बात को लेकर है। भारत और इंग्लैंड के बीच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम में चौथा टेस्ट मैच खेला जा रहा है। इस टेस्ट मैच के पहले सेशन में ही भारतीय कप्तान विराट कोहली और इंग्लैंड के ऑलराउंडर बेन स्टोक के बीच जमकर बहस हुई। मामला इतना बढ़ गया कि एम्पायर को बीच में आकर बीच बचाव करना पड़ा। भारतीय टीम ने खेल के पहले दिन सेशन की काफी अच्छी शुरुआत करी है। सिराज ने टीम के कप्तान जो रूट को आउट करके टीम इंडिया को बड़ी राहत पहुंचाई। खेल के पहले सेशन में बेन स्टोक्स और मोहम्मद सिराज के बीच गहमागहमी देखी गई, जिसके बाद विराट कोहली को बीच में आना पड़ा। इसके बाद बेन स्टोक और विराट कोहली के बीच भी खूब बहस हुई और इससे पहले बेन सिराज से भी भिड़ गए थे। विराट कोहली और बेन स्टोक के बीच जब बहस हो रही थी तो विराट कोहली काफी रिलैक्स नजर आ रहे थे, लेकिन बेन पूरी तरह से गंभीर नजर आए। जब दोनों के बीच बातें और लंबी होती जा रही थी तब एम्पायर को बीच में आकर दोनों को अलग करना पड़ा। वैसे मामला यहीं शांत नहीं हुआ, सिराज और बेन के बीच बातें होती रही, हालांकि दोनों ने अपनी सीमा पार नहीं करी। ये वाकया खेल के पहले सत्र को देखने को मिला। 13वें ओवर की पहली गेंद पर सिराज ने इंग्लैंड के कप्तान जो रूट को आउट कर दिया। रूट के आउट होने के बाद बेन स्टोक बल्लेबाजी करने उतरे। ओवर खत्म होने के बाद बेन स्टोक ने सिराज को कुछ कहा। ड्रिंक्स ब्रेक के दौरान कप्तान कोहली और स्टोक के बीच भिड़ंत देखने को मिली। दोनों के बीच काफी देर तक बहस चली। इस मैदानी एम्पायर वीरेंद्र शर्मा और नितिन मेनन ने आकर मामला शांत करवाया। उसके बाद के ओवरों में भी स्टोक्स ने सिराज को स्लैश करने की कोशिश की। अगर पूरी विवाद को देखा जाए तो बेन स्टोक्स और मोहम्मद सिराज के बीच में कुछ गहमागहमी हुई, लेकिन सिराज के लिए खुद कप्तान विराट कोहली बेन स्टोक्स से भिड़ गए। इस बात को लेकर इतना विवाद बढ़ा है, इसके ऊपर कोई खास स्पष्ट कारण नहीं आया है। इन खबरों की माने तो बेन स्टोक्स की ये शिकायत थी कि आप अपनी भाषा में हमारे लिए कुछ गलत शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि बेन स्टोक्स समझ गए और समझने के पीछे वजह आईपीएल में खेलने आए, क्योंकि आईपीएल में खेलते खेलते कुछ भारतीय खिलाड़ियों के शब्द कुछ और खिलाड़ी भी जानने लगे।